और सवाल है आपसे, हमने देखा है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं अक्सर उनका वजन बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज के कारण वजन घटता है, तो ऐसे में इसका कारण क्या है, ये कितना खतरनाक साबित होता है और कैसे इससे निजात पाया जाए? वजन घटता है तो एक तो शतावर चूर्ण और एक इम्यूनोग्रिड चूर्ण हमने बना रखा है। इम्यूनोग्रिड भट्टी भी ले सकते हैं, दूध में हल्दी शिलाजीत भी ले सकते हैं, अश्वगंधा शतावर, ये दोनों लेने से वजन नहीं घटेगा। और जीवक रिष्भक रिद्धि वृद्धि मेधा महामेधा काकुली क्षीर काकुली विदारी कंद वराही कंद शतावर अश्वगंधा सफेद मूसली गिलोय बला बीज, ये सब का प्रयोग करते हैं तो फिर वजन घटने का प्रश्न ही नहीं। एक बड़ी बात बता रहा हूं, यह एक बहन बेंगलोर से आई हुई है जिसका खाना पीना सब बंद हो गया था, सब टेस्ट नॉर्मल, वजन 12 किलो घट गया था, एक शब्द नहीं बोल सकती थी। इधर आना, क्या नाम है? वनिता, इधर आओ, ये यज्ञ का धूमर भी इधर रखो, इधर बैठो बैठो। इसने इसको सारी रिपोर्ट इसके पास है, सारी रिपोर्ट की कॉपी भी इधर भेजना भाई इसकी। हाँ, सुरेश भाई इसका भाई है जो हवन कर रहा है, ये नरसिंह भाई और हमारे सुरेश भाई, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन इनका भी, और हमारे श्रवण भाई, ये पूरी रिपोर्ट्स है इसकी। 10-11 बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, आवाज बंद हो गई थी, एक शब्द नहीं, ओम भी नहीं बोल सकती थी। यज्ञ का ये धूम्र देख रहे हो ना आप, ये गिलोय है, इसमें गुगल है, ये इसके साथ हवन किया, आज अब ये बोल सकती है। अपना नाम बोलो। ओम। और कितने दिनों तक नहीं बोल पाती थी? मेरा नाम वनिता है, मैं लगातार जैसे कि अच्छे से बोलना तो 1 महीने के बाद ही सीखी। 1 महीने तक आवाज ही बंद? हाँ, आवाज बंद था, मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती थी, लेकिन कुछ इशारों में कुछ समझते थे, कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स, आवाज नहीं आता। हाँ, स्पर्श नहीं आता था। अभी 1 महीने में खाना पीना भी? खाना पीना तो मेरा जैसे 15 दिन तक तो मैंने पानी का घूंट भी बहुत मुश्किल से 5-5 मिनट तक जैसे अंदर रख रख के पिया था। ये हालात थी। यज्ञ के साथ, यज्ञ करके इसके धूम्र के साथ जैसे आज हवन हो रहा है, ऐसे हवन पूर्वक यज्ञ पूर्वक योग किया, आज बोल सकती है, अच्छे से खा पी सकती है, 12 किलो वजन कम हो गया था, दोबारा बढ़ गया, मजबूत होकर के बैठी है। चलो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज ये नेशनल टेलीविजन पर बैठ के और माइक पर अपनी पूरी आप बीती बता रही हैं और कहीं भी घबरा नहीं रही हैं, अपनी बीमारी को दूर भगा रही हैं। स्वामी जी, रमन अरोड़ा का एक सवाल है, उनकी माता जी 65 साल की हैं, 15 साल से उनको शुगर है, हाई बीपी है और यहाँ तक कि थायराइड भी है, इसकी वजह से उनकी रेटिना में सूजन आ गई है और ब्लड क्लॉट होता है, इसका क्या उपाय है? तो खाली पेट तो थायरोग्रिट और मधुनाशिनी ले लें और साथ में मुक्तावटी ले लें, खाने के बाद मधुग्रिट ले लें 2-2 गोली और आंवले का प्रयोग करें, आंवले के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति सरों संत उसमें वसंत कुसुमा को रसराज और मिला देंगे तो रेटिनोपैथी भी 100% ठीक हो जाएगी, बीपी शुगर और थायराइड भी ठीक हो जाएगा। कपालभाती के साथ बस उज्जाई और अनुलोम विलोम जरूर करें, कपालभाती उज्जाई होल्ड करके राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया और अनुलोम मेरो, तो उनकी 100% सारी रेटिनोपैथी से लेकर के बीपी शुगर थायराइड एक साथ सारी समस्याओं का समाधान।